तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और जो टॉपिक हम लोगों को करना है उसका नाम है पॉलीमर्स। हेडिंग बना दीजिए बच्चों, पॉलीमर्स। पॉलीमर्स बच्चों, पॉली का मतलब होता है मैनी और मर जो है MER, मर का मतलब होता है यूनिट। तो ऐसा आपका कंपाउंड जो कि छोटी छोटी यूनिट से मिलकर के बना हो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, पॉलीमर। देखिएगा, व्हेन सिंपलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर, व्हेन सिंपलर मॉलिक्यूल्स, व्हेन वंशिका का वीडियो क्लियर नहीं है। हाँ जी, बाकी बच्चों आप लोग बताइए, बाकी बच्चों का वीडियो ऑडियो क्लियर है क्या? वीडियो ऑडियो क्लियर है क्या? क्योंकि यहाँ तो मेरे पास तो स्पीड आ रही है अच्छी खासी, इंटरनेट की नेटवर्क भी पूरा है। ठीक है, क्लियर है बाकियों का? तो वंशिका आप अपने नेटवर्क को रिफ्रेश करो बेटा। मनोज का क्लियर नहीं है तो मनोज तुम भी अपने नेटवर्क को रिफ्रेश करो। हाँ जी, व्हेन सिंपलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म, व्हेन सिंपलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल्स, टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल्स हैविंग हैविंग हायर मॉलिक्यूलर वेट, हैविंग हायर मॉलिक्यूलर वेट देन सच बिग मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पॉलीमर्स, देन सच बिग मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पॉलीमर्स, आर कॉल्ड पॉलीमर्स एंड प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन, प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। ठीक है, प्रोसेस को बोल देंगे पॉलीमराइजेशन। अब बच्चों, जिन छोटी छोटी यूनिट्स के मिलने की वजह से पॉलीमर बना है उन सिंपलेस्ट यूनिट्स को बोलते हैं मोनोमर। मोनो मतलब सिंगल और मर मतलब यूनिट। ठीक है, तो लिख लो नेक्स्ट पॉइंट में, द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ एनी पॉलीमर, द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ एनी पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर। सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ एनी पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर, मोनोमर। अब बच्चों, पॉलीमर्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके नेचुरल और एक होते हैं आपके आर्टिफिशियल। ठीक है, तो अभी हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। पहला करेंगे नेचुरल पॉलीमर, जिसका एक ही एग्जाम्पल अपने सिलेबस में लिया गया है, वो है नेचुरल रबर। तो नेचुरल पॉलीमर, जिसके सामने ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं नेचुरल रबर, है ना। नेचुरल पॉलीमर की डेफिनेशन शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा पॉलीमर जो नेचर में बनता है, अपने आप बनता है, नेचुरल सोर्सेस से बनता है ना। जबकि इस आर्टिफिशियल और सिंथेटिक वो होते हैं जिन्हें हम लोग लेबोरेटरी में बनाते हैं। तो नेचुरल पॉलीमर, जिसके सामने आपने ब्रैकेट में लिखा होगा क्या, नेचुरल रबर। हाँ जी बच्चों, सबसे पहले आप लिखिएगा नेचुरल रबर के अंदर, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रबर ट्री इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट लिक्विड
लेटेक्स, LATEX, व्हाइट लिक्विड कॉल्ड लेटेक्स। तो आपने देखा होगा रबर ट्री को कट करके उसमें से एकदम मिल्क जैसा व्हाइट कलर का लिक्विड निकलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेक्स, फुल स्टॉप। नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, ISOPREN, आइसोप्रीन। बच्चों आपको सामने आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, कोई मुझे इसका IUPAC नेम कमेंट करके बताएगा? आइसोप्रीन का IUPAC नेम कमेंट करके बताओ, स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने है आइसोप्रीन का। ठीक, कनिका का कमेंट आया है मेरे पास में, टू मीथेन नहीं आएगा कनिका, टू मिथाइल आएगा, टू मिथाइल ब्यूट 1.3 डाइईन। आइसोप्रीन का IUPAC नेम हो जाएगा टू मिथाइल ब्यूट 1.3 डाइईन, 1.3 डाइईन। तो ये ऐसे आइसोप्रीन्स कितने, देखो मैंने रिएक्शन में लिए हैं एन, एन एक नंबर है, लाख करोड़ कितने भी ज्यादा ये हो सकता है। तो जब आप ऐसे बहुत सारे आइसोप्रीन के मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं तो ये सबके सब आपस में जुड़ना शुरू कर देते हैं। अब देखो बच्चों कैसे, आपको यहां पर ये जो दो बॉन्ड दिख रही होंगी डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड जो है इस कार्बन की टूट जाती है, इस कार्बन की भी डबल बॉन्ड टूट जाती है। ऐसा करने से इस कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, इस कार्बन की भी एक वैलेंसी जो है वो फ्री हो जाएगी, और ऐसा दूसरा जो कंपाउंड है वो आकर के जुड़ता जाएगा, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। पर जब आप ऐसा करोगे बच्चों तो ये कार्बन तो आगे जुड़ जाएगा, ये कार्बन पीछे जुड़ जाएगा, ये दोनों तो अपनी वैलेंसी को पूरा कर लेंगे, पर अगर यहां से ये डबल बॉन्ड टूटता है तो ये जो दो बीच वाले कार्बन है आप देखो इनकी वैलेंसी पूरी नहीं हो रही, इसकी भी तीन ही बॉन्ड्स दिख रही हैं और इसकी भी कितनी बॉन्ड्स दिख रही हैं, तीन ही बॉन्ड्स दिख रही हैं। इस वजह से इसके पॉलीमर में आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड जो है वो बन गया। तो आपने डबल बॉन्ड को तो तोड़ दिया और एक के पीछे एक सबको जोड़ दिया, पर ऐसा करने से ये जो बीच के दो कार्बन थे इनकी वैलेंसी पूरी नहीं हो रही थी, इनकी सिर्फ तीन ही बॉन्ड जो है वो पूरी हो रही थी। तो यहां पर हम लोगों ने वैलेंसी को पूरा करने के लिए इन दोनों कार्बन के बीच में हमने क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। अब देखो अब क्लियर हो गया होगा तुम्हारा बोर्ड या वीडियो जो है, रिएक्शन को लिख लो। यहां से तुमने डबल बॉन्ड को हटाया और एक के पीछे एक सबको जोड़ दिया, पर ऐसा करने से ये जो दो कार्बन है इनकी वैलेंसी पूरी नहीं हो रही, तो इन दोनों के बीच में तुमने क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड। आप मॉलिक्यूल के अंदर देख रहे होंगे कि यहां पर डबल बॉन्ड जो है वो लगा हुआ है दोनों कार्बन्स के बीच में, वो इसीलिए क्योंकि अगर तुमने डबल बॉन्ड्स को हटा दिया था तो बाकी सब कार्बन्स की तो वैलेंसी पूरी हो गई थी, पर ये जो दो बीच वाले कार्बन हैं इनकी वैलेंसी पूरी नहीं हो रही थी, तो हमने वैलेंसी को पूरा करने के लिए दोनों के बीच में क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड। रिएक्शन को बना लो और फिर कमेंट कर देना, डन।
ठीक है, ये जो बच्चों आपको नेचुरल रबर जिसे आप पॉलीआइसोप्रीन भी कह रहे हैं, ये जब आपको मिलता है तो ये बहुत ही पुअर क्वालिटी का होता है। इसकी कोई क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं होती। क्वालिटी का मतलब है इसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो पुअर होती है, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो पुअर होती है, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस नेचुरल रबर को सल्फर की प्रेजेंस में हीट करते हैं, गर्म करते हैं। ऐसा करने से सल्फर जो है वो नेचुरल रबर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और ऐसा करने से अब नेचुरल रबर जो है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी अच्छी हो जाती है। अब जो रबर आपको मिलता है उसको बोलते हैं वल्केनाइज्ड रबर, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वल्केनाइजेशन। हाँ भाई, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर समझ में आया या नहीं आया? वल्केनाइजेशन ऑफ रबर में क्या करते हैं, नेचुरल रबर को सल्फर के साथ गर्म करते हैं। ऐसा करने से सल्फर नेचुरल रबर से जुड़ जाता है और उसकी स्ट्रेंथ, उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी को बढ़ा देता है। प्रोसेस को बोलते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, और जो रबर मिलता है उसको बोलते हैं वल्केनाइज्ड रबर। देखो, द रबर ऑब्टेंड हैज लो LOW हैज लो इलास्टिसिटी हैज लो इलास्टिसिटी एंड टेंसाइल TENSILE इलास्टिसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल का मतलब होता है लचीला, टेंसाइल स्ट्रेंथ फुल स्टॉप। इट इज हीटेड विद सल्फर, इट इज हीटेड विद सल्फर टू इंक्रीज इट्स क्वालिटी, टू इंक्रीज इट्स क्वालिटी फुल स्टॉप। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वल्केनाइजेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वल्केनाइजेशन VULCANIZATION वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, एंड द रबर इज कॉल्ड वल्केनाइज्ड रबर, एंड द रबर इज कॉल्ड वल्केनाइज्ड रबर, वल्केनाइज्ड रबर। ठीक है, तो ये बच्चों हमने लिख लिया हमारा नेचुरल पॉलीमर। अभी हम लोग दूसरे टाइप का पॉलीमर करने जा रहे हैं, आर्टिफिशियल पॉलीमर, या इसे आप सिंथेटिक पॉलीमर भी कह सकते हैं। आर्टिफिशियल पॉलीमर, या आप चाहें तो इसे सिंथेटिक पॉलीमर भी कह सकते हैं ना। आर्टिफिशियल पॉलीमर क्या होगा, जिसे हम लोग बनाएंगे, नेचर नहीं बनाएगा, जिसे हम लोग बनाएंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल देने जा रहे हैं सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। फाइबर आप लोग समझते होंगे रेशा या धागा जिसे हम लोग बोलते हैं। पहला जो सिंथेटिक फाइबर करने जा रहे हैं उसका नाम है नायलॉन 6, 6, नायलॉन 6, 6। बच्चों ये जो नायलॉन है, नायलॉन 6, 6, ये दो अलग अलग टाइप के मोनोमर्स को मिलाने से मिलता है। देखो आपको दिख रहा होगा, एक मोनोमर का नाम है एडिपिक एसिड और दूसरे मोनोमर का नाम है हेक्सामिथाइलीन डायअमाइन। अगर बच्चों आप दोनों के अंदर कार्बन का नंबर काउंट करो तो एडिपिक एसिड में भी 6 कार्बन है और हेक्सामिथाइलीन डायअमाइन में भी 6 कार्बन है। इस वजह से इसके नाम के लास्ट में लिखा गया है 6,6। तो लिख दीजिए, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ
एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन, हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन। ठीक है, आप बच्चों रिएक्शन देख रहे हैं, इसमें हो क्या रहा है, एडिपिक एसिड में लास्ट में OH है, यहां से तो OH चला गया और यहां से चला गया H, तो ये कार्बन किससे जुड़ जाएगा, इस NH से जुड़ जाएगा। ऐसे ही यहां पर जो OH है ये हट जाएगा और इसके आगे रखे हुए हेक्सामिथाइलिन डायमाइन का जो NH2 है वो क्या दे देगा, वो H दे देगा, और ऐसे लाखों करोड़ों यूनिट जो है वो आपस में जुड़ते जाएंगे। तो हमने इसे ऐसे लिख दिया, ये वाला कार्बन जिस पर C डबल बॉन्ड O है, इसका जो OH था वो तो चला जाएगा, फिर आगे कितने CH2 है, चार CH2 है, तो CH2 का होल 4, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O से कौन जुड़ रहा है आपका आगे H, NH से आगे कितने CH2 है, 6 CH2, तो हमने लिखा CH2 का होल 6, और उसके आगे वैसे तो वहां NH2 है पर उस NH2 में से क्या निकाल देंगे हम लोग, हाइड्रोजन, तभी तो आगे जुड़ेगा, तो NH और इसका होल N कर दिया, साथ में क्या निकल जाएंगे NH2O। रिएक्शन बना लो बच्चों। रिएक्शन लिख लिए तो कमेंट कर दो। तो मेरे पास कमेंट आ गए हैं बच्चों, बच्चों नायलॉन 6 6 के यूजेस लिखिएगा, यूजेस लिखो नायलॉन 6 6 के। पहला यूज, इट इज यूज्ड इन मेकिंग गियर, इट इज यूज्ड इन मेकिंग गियर, GEAR गियर, एंड बियरिंग, BEARING बियरिंग ऑफ मशीन्स, गियर एंड बियरिंग ऑफ मशीन्स, जो मशीन के कवर वगैरह होते हैं वो बनते हैं इससे। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन मेकिंग टायर, इट इज यूज्ड इन मेकिंग टायर कॉमा क्लोथ्स, क्लोथ्स कॉमा रोप, ROPE रोप कॉमा ब्रश एटसेट्रा, ब्रश एटसेट्रा। ठीक है, दूसरा सिंथेटिक फाइबर है टेरिलीन, टेरिलीन, TERYLENE। ये बच्चों टेरिलीन जो है ये भी दो अलग-अलग मोनोमर्स के मिलने से बना है, एक है टेरिफ्थैलिक एसिड और दूसरा है इथाइलीन ग्लाइकॉल। यहां इसके नाम में जो टेरी वर्ड है वो टेरिथैलिक एसिड से आया है और जो लीन है वो इथाइलीन से आया है, तब जाकर के बना है आपका टेरी लीन।
आपके सामने बच्चों दोनों के स्ट्रक्चर हैं टेरेफ्थेलिक एसिड और इथाइलीन ग्लाइकोल दोनों के। जैसा आपने नायलॉन 6-6 में देखा वैसे ही यहां से तो चला जाएगा OH और इथाइलीन ग्लाइकोल से जाएगा क्या H हाइड्रोजन, तो H2O निकल जाएगा। अब ये कार्बन जो है वो किससे जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके क्या बना देंगे, टेरिलीन। ठीक है, रिएक्शन लिख लो बच्चों। टेरिलीन का एक और नाम देखो प्रोडक्ट साइड में लिखा हुआ है, इथाइलीन टेरेफ्थेलेट। हाँ जी, रिएक्शन लिख ली। यूजेस लिखो, टेरिलीन के यूज लिखिए। देखो इट इज यूज इन मेकिंग क्लोथ्स, इट इज यूज इन मेकिंग क्लोथ्स कॉमा सेल SAIL सेल ऑफ बोट, SAIL सेल ऑफ बोट, जो नाव वगैरह में जो सेल लगा होता है, बड़ा सा कपड़ा पर्दा जो लगा होता है जिसकी हेल्प से हवा के साथ में बोट चलती है, सेल ऑफ बोट्स कॉमा बेल्ट, बेल्ट कॉमा मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तीसरा जो हमारे पास में सिंथेटिक फाइबर है उसका नाम है रेयॉन, RAYON रेयॉन, RAYON। बच्चों इस रेयॉन का स्ट्रक्चर वगैरह तो हमारे पास है नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जिसे बनाया नहीं जा सकता, पर इसकी मैकेनिज्म जो है कि भाई कैसे इसका प्रोसेस होता है वो हम लोगों को बता रखा है, तो आप लोग वो लिख लीजिए। लिखिएगा सेल्यूलोज जो कि पेपर से या फिर लकड़ी जो होती है वुड उससे मिलता है, सेल्यूलोज S सॉरी CELLULOSE, सेल्यूलोज इज क्लीन्ड विद सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सेल्यूलोज इज क्लीन्ड विद सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, क्लीन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन देन इट इज डिजोल्व इन, देन इट इज डिजोल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड, सल्फाइड SULPHIDE, डिजोल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड। तो सबसे पहले सेल्यूलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साफ किया जाता है, फिर इसे डिसॉल्व किया जाता है कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर, फुल स्टॉप। नाउ दिस सॉल्यूशन इज पास्ड थ्रू, दिस सॉल्यूशन इज पास्ड थ्रू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दिस सॉल्यूशन इज पास्ड थ्रू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड थ्रू थ्रू फाइन FINE फाइन पोर्स, POR
फाइन पोर्स, पोर्स का मतलब होता है छोटे छोटे छेद। तो आप इस सॉल्यूशन को छोटे छोटे छेद जैसे छननी होती है उसमें से पास किया जाता है, और जो धागा आगे आपको मिलता है बस उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेयॉन। रेयॉन बच्चों बनाया तो हमने लेबोरेटरी में है, पर सेल्यूलोज जो है वो एक नेचुरल थिंग है, तो इस वजह से रेयॉन जो है वो सेमी सिंथेटिक फाइबर कहलाता है, कि बनाया तो हमने है पर सेल्यूलोज एक नेचुरल सोर्स की हेल्प से। आप लिख सकते हैं फुल स्टॉप लगा के, देयरफॉर रेयॉन इज अ सेमी सिंथेटिक फाइबर। रेयॉन इज अ सेमी सिंथेटिक फाइबर। तो बच्चों आर्टिफिशियल पॉलीमर में पहला सिंथेटिक फाइबर जो है वो हमने कवर कर दिया। हाँ जी, दूसरा आर्टिफिशियल सॉरी सिंथेटिक फाइबर जो है वो अपना कंप्लीट हो गया है। इसमें हम लोग अब दूसरा करने जा रहे हैं, दूसरा करने जा रहे हैं जो है प्लास्टिक। प्लास्टिक पहला प्लास्टिक है, पॉलीइथीन थैली जो है, पॉलीथीन जैसा कि नाम बता रहा है किससे बना है ये, इथीन से। तो हम लोग इथीन के ऐसे लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल ले लेंगे, आपस में अगर इन सबको जोड़े तो ये इस तरीके से आपस में जुड़ जाएंगे, बस इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, पॉली इथीन। तो ये तो यहां पर क्या है, इथीन, मोनोमर क्या हो गया, इथीन, और पॉलीमर हो गया पॉली इथीन। बना लो। इसके यूजेस क्या पड़े आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे, पॉलीथीन कहाँ कहाँ पर यूज में आता है, ठीक है। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा यहां तो बेटा, मेरे पास तो बहुत अच्छी खासी इंटरनेट की स्पीड आ रही है। हाँ भाई, बाकी और लोगों तक वीडियो ऑडियो क्लियर या नहीं है? तो भैया किशन तुम कमेंट पढ़ो, बाकियों के तो क्लियर आ रहा है, सोनू का क्लियर नहीं है। तो भाई तुम्हारे जिसके क्लियर नहीं है वो अपने नेटवर्क को सुधारो, रिफ्रेश करो। हाँ जी, दूसरा जो हम लोग प्लास्टिक करने जा रहे हैं उसका नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। दूसरा है बच्चों अपने पास पॉलीक्लोराइड। देखो बच्चों बहुत आसान है, ये जो आपका पहले आपने जो इथीन बनाया था बस इसमें आप एक हाइड्रोजन को हटा दो और क्या लगा दो, क्लोरीन लगा दो। इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। तो यहां भी क्या होगा, यहां भी हो जाएगा तुम्हारा क्लोरीन, और इसको तुम क्या बोलोगे,
पॉली विनाइल क्लोराइड। कुछ नहीं करना तुम्हें, इथीन जो पिछला वाला तुमने पॉलीथीन वाला किया था उसमें इथीन पर जो कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन पर बस तुम्हें क्लोरीन लगा देना है, तो मोनोमर बन जाएगा तुम्हारा विनाइल क्लोराइड, और पॉलीमर जो होगा वो बन जाएगा तुम्हारा पॉली विनाइल क्लोराइड। बना लो फटाफट, मोनोमर तो हो गया विनाइल क्लोराइड और पॉलीमर हो गया पॉली विनाइल क्लोराइड। हाँ जी, यूजेस लिख लो। अच्छा, पॉलीविनाइल क्लोराइड को शॉर्ट में पीवीसी बोलते हैं, पीवीसी। यूजेस लिख लो बच्चों पीवीसी के। इट इज यूज्ड टू मेक पाइप्स, इट इज यूज्ड टू मेक पाइप्स, कॉमा शूज, कॉमा रेनकोट, कॉमा स्लीपर्स, कॉमा स्लीपर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। हाँ जी, तीसरा करेंगे अभी हम लोग। तीसरा करेंगे बच्चों, तीसरा है अपने पास में पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, जिसे ऑर्लॉन, ओ आर एल ओ एन, ऑर्लॉन भी कहा जाता है। पॉली एक्राइलो नाइट्राइल जिसे हम लोग ऑर्लॉन भी कह सकते हैं, कुछ भी नहीं है। जैसा आपने पिछली बार विनाइल क्लोराइड देखा, बस विनाइल क्लोराइड में जहां आपने क्लोरीन लगाया था वहां से क्लोरीन को हटा करके CN आपको जोड़ देना है, बाकी बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर होगा। मोनोमर का नाम हो जाएगा एक्राइलोनाइट्राइल और पॉलीमर का नाम हो जाएगा पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, जिसे शॉर्ट में PAN पेन भी कह सकते हैं। बनाओ। ठीक है, जल्दी से यूजेस लिख दो। या बच्चों अपने पास में टाइम कम है तो आप लोग एक काम करना, यूजेस आप बुक में से लिख लेना, है ना। अगला देखो पॉलीस्टाइरीन है। पॉलीस्टाइरीन में क्या करना है तुम्हें, आप देखेंगे बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर है, सिर्फ यहां पर आ रहा होगा C6H5 पॉलीस्टाइरीन। यहां बस आपका क्या रहा होगा, C6H5 जो है वो आ रहा होगा। इसको भी आप बुक में से बना लेना। अभी सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर के दो एग्जाम्पल तुम्हारी बुक में दिए हुए हैं पर उनका स्ट्रक्चर नहीं बनाया हुआ है, तो मैं उनका भी स्ट्रक्चर बना रहा हूं। आप लोग सिंथेटिक रबर ब्यूना एस और ब्यूना एन, जो दो सिंथेटिक रबर है उनका स्ट्रक्चर बना लो।
आप देख सकते हैं इसके जो मोनोमर है, एक तो है ब्यूट 1.3 डाइईन और दूसरा है स्टाइरीन, ठीक है। तो ये जो नाम है इसका ब्यूना एस, इसमें बीयू का मतलब है ब्यूट 1.3 डाइईन, एस का मतलब है स्टाइरीन, और ये जो एनए है ना, इस एनए का मतलब ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन, एनए सोडियम की प्रेजेंस में हो रही है। ये स्ट्रक्चर है ब्यूना एस का, बना लो। ये ब्यूना एस है, तो ब्यूना एस के मोनोमर हो जाएंगे ब्यूट 1.3 डाइईन और हो जाएगा क्या, स्टाइरीन। और जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो है आपका ब्यूना एस। ये रिएक्शन क्योंकि सोडियम की प्रेजेंस में हो रही है, इस वजह से इसके नाम में हमने एनए जो है उसका इस्तेमाल किया है। यह है ब्यूना एस, आपकी बुक में जो पहला सिंथेटिक रबर दे रखा है यह है ब्यूना एस। ठीक है, बना लिया। हाँ भाई, दूसरा दे रखा है ब्यूना एन। देखो ब्यूना एन में बस क्या फर्क है, यहां पर होगा सी एन, मतलब एक्राइलोनाइट्राइड, एक्राइलोनाइट्राइड, ये जो N है ये कहां से आया है, नाइट्राइल से, ये हो जाएगा आपका ब्यूना N। इसको बना लो बच्चों, और इनके जो यूजेस हैं वो आप लोग बुक में से लिख लेना, और आपका ये जो चैप्टर है ये अपना ओवर हो जाता है आज।